हेलो क्लास फोर्थ स्टूडेंट, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 12, अ वाटरिंग राइम। एक पानी का छीटा पोयम है। किसने लिखी ये पोयम? पीए रॉब्स। अर्ली इन द मॉर्निंग और द इवनिंग आवर आर द टाइम्स टू वाटर एवरी काइंड ऑफ फ्लावर। वाटरिंग एट नून डे When the sun is high, doesn't help the flowers, only makes them die. Also, when you water at the roots, flowers keep their mouths where we should wear our boots. Soak the earth around them, then through all the heat, the flowers will have water for their thirsty feet. नून डे द मिडिल ऑफ द डे। नून डे मतलब जो मिडिल होता है दिन का, मतलब दिन होता है उसको बोलते हैं नून डे। हाई ओवर हेड मतलब ऊपर। रूट्स द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच अटैच इट टू द ग्राउंड। ऐसा पेड़ का हिस्सा जो किससे अटैच दो? ग्राउंड से। माउथ्स द प्लेस वेयर द प्लांट्स आर टू बी वॉटर्ड। ब्रूट्स शूज और सोप टू मेक समथिंग वेट बाय इमर्सिंग इट इन लिक्विड। द पोएट टेलर्स दैट अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम्स आर द बेस्ट टू वाटर एनी काइंड ऑफ फ्लावर। इस पोयम में जो पोएट से वो ये कहना चाहता है कि अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग जो है वो क्या है, बेस्ट टाइम है किसी भी पेड़ को, किसी भी फ्लावर्स को पानी देने का है, चाहे वो कोई सा भी काइंड ऑफ फ्लावर्स हो। बेस्ट टाइम क्या है? अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग। ड्यूरिंग द मिड डे वाटरिंग वॉन्ट हेल्प। अगर हम दिन के टाइम पे पानी देते हैं पेड़ पौधों को तो उससे कोई भी हेल्प नहीं होती है। इंस्टेड फ्लावर्स वुड डाई ड्यू टू इट। और इससे क्या होगा, सिर्फ पेड़ पौधे जो हैं वो मर जाएंगे, मुरझा जाएंगे। तो जो बेस्ट टाइम है पानी देने का पेड़ पौधों को, किसी भी फ्लावर्स को या पेड़ को, वो क्या है, या तो मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में। दिन में हम पेड़ पौधों को पानी नहीं दे सकते हैं, उससे क्या होगा, कोई फायदा नहीं होगा और पेड़ पौधे मुरझा जाएंगे या फिर मर जाएंगे। ही फर्दर सेज दैट वी शुड वाटर एट द रूट्स ऑफ द फ्लावर। और वो ये भी कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, जो पेड़ पौधों की जड़ें हैं, फ्लावर्स की, पेड़ की जड़ें हैं, उन तक पानी देना चाहिए। रूट्स मतलब जड़े तक। बिकॉज देयर माउथ लाइज इन द रूट्स, क्योंकि इनका जो माउथ है वो कहाँ लाई करता है, रूट्स में। जो जड़ें होती है वही क्या है, पेड़ पौधों का मुँह, माउथ है, मुँह है। वेयर वी स्टैंड वियर बूट्स, जहाँ पर जैसे हम भी बूट्स के खड़े रहते हैं वैसे उनका जो है वो क्या है, जड़ है। ही ऑल्सो एडवाइज दैट वी शुड सोक द पीस ऑफ सॉइल अराउंड द रूट्स। और वो ये भी एडवाइस देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, जो पीस ऑफ सॉइल है रूट्स के आसपास उनको क्या करना चाहिए, सोक करना चाहिए। मतलब आसपास की जो रूट्स के पास जो मिट्टी है उनको भी हमें गीला करना चाहिए। इन दिस वे द फ्लावर्स विल गेट वाटर इवन ड्यूरिंग द हॉट डे। और इससे क्या होगा, अगर हम पानी तो हमने दे दिया लेकिन उसके आसपास की मिट्टी को भी हम गीला रखते हैं, तो जब दिन का टाइम होगा तो उससे क्या होगा, उनको उससे पानी हेल्प कर पानी लेने में मदद मिल जाएगी जब दिन में गर्मी होगी। तो हमें क्या करना चाहिए, पेड़ पौधों को पानी एक तो सुबह और शाम देना चाहिए, बेस्ट टाइम है। उसके बाद बेटा हम लोगों को क्या करना चाहिए, उनके जो मुंह माउथ होते हैं मतलब जड़ें होती है पेड़ पौधों की, उनको पानी देना चाहिए। और उसके बाद क्या करना चाहिए, जो पेड़ के आसपास की जो मिट्टी है पानी देने के बाद उसको गीला करना चाहिए, ताकि दिन के टाइम पे जब पेड़ पौधों को और पानी की ज़रूरत हो तो वो उस गीली मिट्टी में से पानी को क्या कर सकें, सोख सकें। ठीक है बेटा, थैंक यू। तो ये थी आपकी पोयम अ वॉटरिंग राइम, एक पानी का छीटा। थैंक यू।